हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू अपडेटेड जोन। और आज हम फ्रेंड्स कुछ ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो हम सब ही कंफ्यूज रहते हैं जिसको लेकर। वो टॉपिक है, एटलीस्ट मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ और आई एम प्रेटी मच श्योर कि जो भी मेरी फ्रेंड्स 25 क्रॉस कर चुकी हैं वो डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मेस्ड अप रहती होंगी, दैट हमें किस क्रीम के लिए जाना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं, किस क्रीम से मतलब कि आफ्टर 25 इट इज़ सेड 25 और 28 यू शुड गो फॉर थिंग्स लाइक एंटी एजिंग, यानी कि आपको उन चीज़ों का यूज़ स्टार्ट कर देना चाहिए जो आपकी स्किन को मैच्योर होने से रोके। आइदर दे आर मास्क और सीरम्स और क्रीम्स और कुछ भी ऐसा जो आपके स्किन को ज़्यादा मैच्योर ना होने दे, या फिर उसने जितना होना है वैसी लुक हमारी स्किन पर ना आए। सो हाउ इट कुड बी स्टॉप्ड और मेंटेन्ड, वो हम कैसे कर सकते हैं, इस बात को लेकर ऑलमोस्ट हम सब सोचते हैं। वही बाय क्रीम्स, फिर देखते हैं यार इसका तो अच्छा सा नहीं हो पाया कुछ भी, अब हम क्या करें, वी गो फॉर नेक्स्ट एंड देन गिव अ ट्राई या फिर कुछ। तो ऐसी ही प्रॉब्लम से मैं भी निकल चुकी हूँ। आई हैव बीन ऑल्सो इन दिस प्रॉब्लम फॉर अ क्वाइट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरे को लगा क्यों नहीं आई डू डिस्कस क्रीम्स एंड ऑल, एंड रिसेंटली मैंने एलोवेरा जेल का किया है, आई थिंक जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट एंटी एजिंग चीज़ हमारे लिए है कि एलोवेरा तो हमें अपनी लाइफ में ज़रूर ही इन्वॉल्व करना चाहिए। आइदर आप उसको फेस वॉश बना रहे हैं, बॉडी वॉश बना रहे हैं, फेस सीरम बना रहे हैं, फेस मिस्ट बना रही हैं या क्या करें, बट इन एनी वन और अदर वे यू शुड यूज़ एलोवेरा बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटी एजिंग थिंग्स, डेफिनेटली है, विच आई माई सेल्फ हैज ट्राइड। मैंने सिर्फ ये नहीं है कि एलोवेरा जेल लगाया, ज़रूरी नहीं भाई जेल लगाने का टाइम आपको मिल रहा है। आई वही बात है, मैंने फेस मिस्ट बना कर रख दिया, जस्ट गो एंड स्प्रे एंड यू आर गुड टू गो। आपके लिए काफ़ी आपको एलोवेरा का जो भी बेनिफिट था वो मिल गया आपकी स्किन को। तो इट्स अप टू यू कि आप एलोवेरा को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सो लिविंग एलोवेरा असाइड, क्योंकि वो वीडियो बन चुका है, तो जो भी मेरी फ्रेंड्स हैं वो नहीं देखा है, दे कैन गो टू दैट वीडियो एंड डू सी द फुल वीडियो फॉर मोर एंड मोर बेनिफिट्स। तो आज आते हैं हम आज के टॉपिक पर जो कि है क्रीम्स, एंटी एजिंग क्रीम्स। तो मैं आज आपके साथ कुछ क्रीम्स शेयर करूँगी और एट द एंड मैं आपके साथ अपनी पर्सनल DIY हैंडमेड क्रीम शेयर करूँगी विच विल बी हैविंग ऑल बेनिफिट्स, जिसमें सारे बेनिफिट्स होंगे जो कि आपको मैं इन क्रीम्स में बताऊँगी। आई विल शो यू हाउ उस क्रीम में वो सारे बेनिफिट्स कैसे आएंगे और वो कैसे बनती है। आई विल शेयर विद यू सो दैट यू कैन ऑल्सो मेक इट एंड टेक द बेनिफिट ऑफ दिस DIY। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट अफोर्डेबल रेंज से, विच इज़ वेरी हाइप्ड क्रीम, दैट इज़ दिस पतंजलि एंटी रिंकल क्रीम, ये इसका नाम है। अफोर्डेबल है, दैट्स व्हाई आई आल्सो वाज अट्रैक्टेड टू दिस वन कि भाई इतनी अफोर्डेबल चीज़ में हमको क्या क्वालिटीज़ मिल रही है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू इट्स कंपोजिशन चीज़ें इन्होंने बहुत ही अच्छी यूज़ की है। ऑलिव ऑयल है, वीट जम ऑयल है, बादाम का तेल है एंड मैनी मोर ऑयल्स जो हमारी एंटी एजिंग प्रोसेस के लिए डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। बट इसकी मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ बुरी लगती है, दे हाइड मोस्ट ऑफ देयर कंपोजिशन इन क्रीम बेस, यानी कि आप क्रीम बेस में क्या चीज़ ले रहे हैं वो ये कभी भी मेंशन नहीं करते, या वो ये आपको कभी भी आपको 100% मेंशन नहीं करते जो भी कंपोजिशन होती है एक क्रीम की। आइदर कोई भी नहीं करता, आई डोंट से कि ये नहीं कर रहे हैं बाकी सब करते हैं, दिस इज़ नॉट लाइक दैट, लेकिन वो जो क्रीम बेस के अंदर काफ़ी चीज़ें छुप जाती हैं, यानी कि हम इस क्रीम को परचेज़ कर रहे हैं या फिर किसी भी क्रीम को परचेज़ कर रहे हैं कि भाई अच्छा ये ऑर्गेनिक है, इसमें ऐसी चीज़ें यूज़ हुई हैं, बट वी रियली डोंट नो कि वो क्रीम बेस के अंदर उन्होंने सच में केमिकल्स को नहीं यूज़ किए। वी आर रियली नॉट अवेयर, हमें नहीं पता कि उसमें क्या यूज़ किया गया है। सो दैट्स द थिंग, ये डार्क स्पॉट रिडक्शन और रिंकल्स के लिए है, एंटी एजिंग क्रीम है।
गुड नाइस कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, हाँ ठीक है आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास, दिस इज़ फ्रॉम वादी हर्बल्स एज डिफाइन मॉइस्चराइज़र। अब ये जो है ये ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट के साथ आता है, बैम्बू एक्सट्रैक्ट के साथ आ जाता है। अगर हम ऑनलाइन ग्रेप सीड ऑयल सर्च करने जाते हैं, दैट टू फ्रॉम अ गुड कंपनी जहाँ पे वर्जिन चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि कोल्ड प्रेस्ड होंगी, अगर वैसा कुछ जाए तो दैट इज़ टू कॉस्टली टू बाय। ग्रेप सीड ऑयल तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, इट्स अबाउट आई थिंक फ्रॉम 2500 टू 3500 और मोर देन दैट कुछ ऐसा है। इट्स टू मच कॉस्टली टू हैव दैट ग्रेप सीड ऑयल। तो इसमें वो चीज़ एज पर दिस इन लोगों ने यूज़ किया है, बट जो इसकी MRP है दैट इज़ 65 ऑनली। तो 65 रुपीज़ में क्या इन लोगों ने सच में इतनी एक्स्ट्रा वर्जिन चीज़ें यूज़ कर रखी हैं? आर दे रियल? क्या वो सच में रियल है? एक्चुअली ये चीज़ें सोचने पर मजबूर कर देती हैं इंसान को कि जो इतना कॉस्टली बेच रहे हैं आर दे फेक और ये चीज़ें फेक है। यू रियली कांट गो विद द थिंग्स, आप खुद नहीं समझ पाएंगी एंड दिस इज़ द मेन कन्फ्यूजिंग थिंग्स कि आप किस क्रीम के साथ जाएँ। नेक्स्ट आ जाती है मेरे पास गुड वाइब्स की वीट जम नरिशिंग क्रीम। ये जो क्रीम है यू जस्ट नीड, वो कहते हैं ना पी साइज एंड ऑल, नहीं यू जस्ट नीड हाफ अ पी साइज। ये इतनी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, इतनी ज़्यादा आई थिंक यू ऑल आर एबल टू सी द ग्लो। ये स्टिकी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये स्टिकी फील है, कुछ भी नहीं है स्टिकी जैसा। इट्स जस्ट इट एड्स अ ग्लो टू योर स्किन इंस्टेंटली, क्योंकि वीट जम है इसमें। आपको पता है वीट जम जो है दैट इज़ रिच इन ए डी एंड मेनी मोर विटामिन्स ई ऑल्सो। तो ऑब्वियसली ये सारे विटामिन्स जो हैं मिलकर हमारे स्किन को नरिश्ड रखते हैं, टोटली हाइड्रेटेड मॉइस्चराइज्ड रखते हैं और हमारे जो भी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं उनसे हमें कम आउट करने में हेल्प करती है। तो ये जो है हमारी वीट जम क्रीम, इट्स गुड नाइस, यू कैन टेक इट एज योर नाइट क्रीम ऑल्सो, क्योंकि ये मॉइस्चराइजेशन आपकी स्किन को जो हाइड्रेशन कहते हैं बहुत बहुत अच्छे से देती है। एंड इट स्मेल्स लाइक डिवाइन, मुझे इसकी स्मेल फ्रेग्रेंस स्पेशली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आई डोंट नो सबको पसंद आने वाली है कि नहीं, बट मी पर्सनली लाइक्स इट्स फ्रेग्रेंस, मतलब मैं फैन हूँ इसकी फ्रेग्रेंस की। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास लोटस प्रोफेशनल्स की स्किन फर्मिंग एंटी एजिंग क्रीम विद SPF ऑल्सो। इसमें 25 SPF है, PA++। ये क्रीम मैं ऑलरेडी आपके साथ सनस्क्रीन्स वाली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। एंटी एजिंग क्रीम है विद SPF बेनिफिट्स ऑल्सो। अगर इसकी कंपोजिशन पर जाएं तो जार पे कोई भी कंपोजिशन नहीं है, मे बी शायद कार्डबोर्ड बॉक्स पे हो, यहाँ पे तो नहीं है। एंड लोटस ब्रांड ऑलवेज क्लेम्स फॉर ऑर्गेनिक थिंग्स, जैसा कि मैंने अभी तक पढ़ा है, दिस ब्रांड ऑलवेज सेज ऑर्गेनिक एंड वर्जिन एंड ऑल दीज थिंग्स। ये कोल्ड प्रेस चीज़ों के साथ ही अपनी चीज़ें बनाते हैं। स्किन फर्मिंग और एंटी एजिंग क्रीम है जो कि SPF भी आपको देता है। टू बी वेरी फ्रैंक आई डिडंट फेल्ट एनी आउटस्टैंडिंग इफेक्ट ऑफ चेंज इन माई स्किन, मेरी स्किन जैसी है वैसी ही है। आई हैव बीन यूजिंग इट नाउ फ्रॉम लास्ट 1 month, यू कैन सी, जी हाँ 1 महीने से ज़्यादा शायद यूज़ कर चुकी हूँ मैं इसको नाउ, अभी है, बट आई हैव यूज्ड अ लॉट। हम अपनी नेक्स्ट क्रीम पे जो कि है ओले टोटल इफेक्ट 7-in-1 एंटी एजिंग क्रीम विद SPF। तो ये डे क्रीम है, एंटी एजिंग है और SPF की फैसिलिटी भी आपको ओले में मिल जाती है। ऑल इन ऑल अगर इसकी समरी देनी हो तो इट्स अ गुड क्रीम, अच्छी क्रीम है, ट्रस्टेबल ब्रांड है एंड इट डू वर्क्स, ये काम करती है। ऐसा नहीं है कि इट इज़ चार्जिंग यू दिस मच मनी एंड डूइंग नथिंग, नहीं, अगर ये आपको चार्ज ज़्यादा कर रही है तो डेफिनेटली इट इज़ शोइंग रिजल्ट्स। ये अच्छी है आपके लिए,
you can definitely go with this cream. And I think many of the ladies do trust this cream because it has shown good results. Yeah, अच्छे results देती है ये cream after use. At the end मैं आपके साथ वो cream share करना चाहूँगी जो मुझे पसंद है. किस लिए पसंद है? Because ये brand, this brand is totally organic. It uses really extra virgin products to make anything. अभी तक की उनकी इस brand की खासियत speciality यही है. They do go by their words, जो वो कहते हैं the things are like that, वो वैसी ही हैं. तो the brand is soldry. आपने definitely इस brand को सुना होगा. इसकी जो क्रीम है, this is anti wrinkle cream with turmeric and amla, skin firming brahmi. It contains no parabens or SLS. That's a great thing. Generally आजकल हम लोग ये awareness generally दी जाती है कि आप जब भी कोई product ले तो you should go with the things which are free of these things, parabens and sulfates, because they are very much harmful for your skin and all. तो सबसे पहला तो प्लस पॉइंट इसका यही आ जाता है, इट इज़ फ्री फ्रॉम पैराबेंस एंड सल्फेट्स आल्सो, एंड दिस गुड वाइब्स आल्सो. दे आल्सो मेक द थिंग्स विदाउट दिस पैराबेंस एंड सल्फेट्स. इनमें SLS या पैराबेंस बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता इनकी कंपोजिशन में. तो वैसे ही जो ये सोल्ट्री की क्रीम है, तो ये भी अगर इनकी कंपोजिशन पे जाएँ तो दिस इज़ अ एंटी रिंकल क्रीम, अ कम्प्लीट स्किन टोनिंग क्रीम, गुडनेस ऑफ टर्मरिक एंड स्किन रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रह्मी, इन्फ्यूज विद एंटी ऑक्सीडेंट्स ऑफ आमला एंड नेचुरल विटामिन ई, रिड्यूस लाइन्स एंड कीप द स्किन फर्म, मसाज इन टू द फेस. बाद में इसका एप्लीकेशन बताया गया है. सो इसमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं, आदर टर्मरिक और ब्रह्मी और वॉट एवर दे हैव यूज, दे आर टोटली ओरिजिनल. उनके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की गई है. दैट्स द मेन लविंग थिंग ऑफ दिस ब्रांड, दैट दिस ब्रांड कम्स विद ऑर्गेनिक थिंग्स. सो दिस इज माई पर्सनल फेवरेट क्रीम ऑफ ऑल टाइम्स, आइदर विंटर्स और समर्स और व्हाटएवर सीजन. लेकिन ये क्रीम आपको लेट डाउन नहीं करती, आपको कोई बैड इफेक्ट आपकी स्किन पे शो नहीं करेगी. इफ़ यू आर गोइंग टू ट्राई फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू शो यू गुड रिजल्ट्स. कुछ भी बैड इम्पैक्ट नहीं होने वाला. रेस्ट सबकी स्किन टाइप्स अलग होती है, सबका स्किन टाइप ही नहीं है, स्किन की चीज़ें अलग आ जाती हैं. यानी कि आपके इफ़ेक्टेड कितना है वो चीज़ अलग आ जाती है. यानी कि आपको अगर पिगमेंटेशन है तो किस हद तक की है, अगर आपको ब्लेमिशेस है तो किस हद तक के हैं, ये क्रीम कितना टाइम लेती है रिपेयर करने में, दीज ऑल थिंग्स डू मैटर. अगर किसी को हल्की सी प्रॉब्लम है ऑब्वियसली वो जल्दी ठीक हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा. और जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है ऑब्वियसली उसका 6 मंथ्स या इवन मोर देन टाइम, सो दे हैव टू वेट फॉर द गुड रिजल्ट्स. तो इट्स ऑल लाइक दैट. आप सब पे एक ही चीज़ का एक रिजल्ट नहीं देखेंगे कभी भी. जैसे मैंने किसी क्रीम के लिए, किसी भी क्रीम के लिए कहा हो कि भाई हाँ, इट डिडेंट शोड एनी इफेक्ट ऑन माई फेस, हो सकता है किसी और के फेस पे उसने स्किन पे बहुत ही फ्लॉलेस इफेक्ट दिखा दिया. सो ये सब चीज़ें डिफ़र कर जाती हैं. अगर मैं ये कहूँ कि ये क्रीम बेस्ट है, आप यही लीजिए, आपको यही सूट करेगी, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता, तो आई विल बी टोटली रॉन्ग. ऐसा नहीं हो सकता. हो सकता है मेरे लिए ये बेस्ट है, किसी और के लिए और कोई बेस्ट क्रीम हो, बिकॉज उस क्रीम में उनको बेस्ट रिजल्ट दिए हों. सो दैट्स ऑल. बात यही आ जाती है, हम जो भी क्रीम यूज़ करें वो मॉइस्चराइजिंग हो, हाइड्रेटिंग हो, उसमें ऑयल्स की कंपोजिशन ज़रूर हो, बिकॉज आफ्टर दैट एज ऑफ 25 and 26 वी नीड एक्सटर्नल हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन मोर देन इन आवर अर्ली ईयर्स. सो उन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप अपनी पसंद की कोई भी क्रीम के साथ जा सकते हैं. तो बस यही ध्यान रखिए कि उसमें ऑयल्स की कंपोजिशन अच्छी हो, अच्छे ऑयल्स यूज़ किए गए हो, होबा ऑयल हो, आलमंड ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, सो दैट आपकी स्किन को कंप्लीट हाइड्रेशन, कंप्लीट नरिशमेंट एंड कंप्लीट रिपेयरिंग के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके. मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में ये क्रीम्स थी, और ये क्रीम्स मैंने आपको किस लिए शो की, क्योंकि ये क्रीम्स मेरे पास अवेलेबल थी. मैंने ये स्पेशली आपके साथ शो करने के लिए बाय नहीं किया है. दिस वॉज ऑल ऑफ माई कलेक्शन, कि मेरे पास क्या है. आई जनरली यूज़ वन क्रीम एंड स्टार्ट
सर्चिंग फॉर द अदर वन कि यार इसके बाद मुझे क्या देखना चाहिए, मार्केटिंग में और कुछ ऑर्गेनिक आया, और कुछ 100% प्योर आया, तो आई शुड गो फॉर दैट. तो दैट्स द थिंग. इसी तरह से मेरे पास ये कुछ क्रीम्स हैं थोड़ी बहुत, तभी मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाई हूँ कि कौन सी क्रीम कैसे वर्क करती है. और अब बारी आ जाती है हमारी DIY की, जिसमें जैसे कि मैंने कहा कि हमारी हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजेशन और हमारी नरिशमेंट और हमारे एंटी रिंकल, हमारी ब्राइटनिंग, हमारी टोनिंग, हमारे ब्लेमिशेस को रिमूव करने का हर एक चीज़ का ख्याल मैंने रख कर ये क्रीम प्रिपेयर की. कीपिंग इन माइंड द ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती जा रही थी, सो यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो फॉर द सुपर डुपर ऑसम ऑर्गेनिक नेचुरल 100% मेड बाय योर ओन हैंड्स क्रीम. तो उसके लिए आपको वेट करना है और देखनी है मेरी अपकमिंग सेकेंड वीडियो, DIY मिराक्युलस नेचुरल ऑर्गेनिक क्रीम. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू वेट एंड वॉच माई नेक्स्ट वीडियो टू. Thanks for subscribing, liking, sharing and commenting on my video. Thanks again and stay blessed.